गिरीश चंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, किसी की भी देश की तरक्की की नींव वो देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। हमें खुशी है ये सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी तेलंगाना में आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान को रख केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना जा रही है। इसलिए इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, हमारे देश में पिछले 68-70 वर्षों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है। वह मौजूदा सरकार से जो उम्मीद भी है वह भी पूरी नहीं हो पाई। पिछले 68-70 सालों को देखें तो जो भी सरकार सत्ता में रही वह हमेशा आरक्षण को लागू करने की बात तो करती है, लेकिन आरक्षण को पूरा करने का काम प्रयास की सरकार ने नहीं किया। महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में न मिल रहे संविधान समस्त आरक्षण के तहत तरह सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं वहां आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से न लागू होने के कारण उनके अलग अलग विभागों विषयों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से आने वाले प्राचार्य शिक्षक प्रोफेसर आदि की भारी कमी है। और यदि किसी विशेष विषय पर प्रोफेसर शिक्षक की नियुक्ति करनी हो तो बड़ी सातरा अंदाज में मात्र एक एक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराकर एक विशेष वर्ग के लोगों को नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। और यह इसलिए किया जाता है कि यदि समग्र नियुक्तियां एक से साथ प्रकाशित की जाती है तो आरक्षण की सुविधा देना अनिवार्य है, लेकिन एक पद के लिए आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं है। इस प्रकार विगत सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के साथ केवल धोखा ही है। यदि वास्तव में वर्तमान सरकार इन वर्गों की हितैषी है तो देश भर में हो रहे इस गंभीर अनियमितताओं को मन से दूर करने का काम करे। महोदय, वर्तमान समय में छात्रों की फीस वृद्धि छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखें। इसलिए इन वर्गों के छात्र छात्राओं अधिक से अधिक शिक्षित हों और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। महोदय, कुछ केंद्रीय विद्यालयों में लगभग एक साल से अधिक समय से वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई, जिसमें वहां के छात्र छात्रों को पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार से मेरी ये मांग है कि जिन केंद्रीय विद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं या खाली पड़ी हैं वहां यथाशीघ्र वाइस चांसलर की नियुक्तियां की जाए। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से कि जिस तरीके से सन 2007 से लेकर 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रहते हुए जीरो बैलेंस में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को, चाहे वो एम टेक हो चाहे बी टेक हो चाहे एमबीबीएस हो चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो, सभी तरीके को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पे उन गरीब छात्रों को एडमिशन कराकर उनको खड़ा कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देने का काम किया। तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि अगर आप लोग देना चाहते हैं एससी एसटी और पिछड़े वर्ग को तो मैं चाहूंगा ये विश्वविद्यालय जो आप खोलने जा रहे हैं यहां पर पिछड़े दलित कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ाएं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री मोहम्मद जावेद जी।